विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। टीम 4 में से 2 ही मैच जीत सकी। अब अगर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हरा दिया तभी टीम इंडिया सेमीफाइनल खेल पाएगी। शारजाह में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 151 रन बनाए। टीम से तहलिया मैग्रा ने 40 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 47 गेंद पर 54 रन बनाए। बाकी बैटर्स कुछ खास नहीं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया से एनाबेल सदरलैंड और सोफी मोलेनिक्स ने 2-2 विकेट लिए। आखिरी ओवर में भारत 14 रन चाहिए थे। टीम 6 गेंद पर 4 ही रन बना सकी और 4 विकेट गंवा दिए। एनाबेल सदरलैंड ने 2 विकेट लिए जबकि 2 बैटर्स रन आउट हुई। भारत 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना सका और 9 रनों से मुकाबला गंवा दिया।